स्टूडेंट के लिए सत्य की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में जो है 50,000 से भी अधिक पोस्ट जो है खाली है। आप सभी स्टूडेंट को तो लगता होगा कि वैकेंसीज नहीं है, और इस समय जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसके बाद आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, आप लोग यही सोचते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में इस साल जो है 12,489 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के भर्ती जो है निकला है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को यही लगता होगा कि इस साल तो 12,489 पदों पर शिक्षक के भर्ती हो रहा है, प्रीवियस ईयर में 14,580 पदों पर भर्ती हुआ था, तो आने वाले समय में क्या भी इतने ही ज़्यादा नए वैकेंसीज आएंगे? तो आपको बताना चाहता हूँ, जी हाँ आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है शिक्षा विभाग में 12,489 पोस्ट निकलने के बावजूद जो है 50,000 से भी ज़्यादा पद जो है अभी भी खाली है, जिसमें प्रधान पाठक के हैं, सहायक शिक्षक के हैं, शिक्षक के हैं, असिस्टेंट टीचर के हैं और लेक्चरर के पोस्ट के हैं, बहुत से ज़्यादा नए नए पोस्ट जो है खाली हैं। और 2,398 पोस्ट को जो है अभी 10,000 शिक्षक भर्ती में 2,398 पोस्ट को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो 2,398 पोस्ट जो होगा ये आपका जो है ग्रंथपाल का पोस्ट होगा। जी हाँ, ये ग्रंथपाल का पोस्ट होने वाला है 2,398 पोस्ट। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज के बारे में, जो कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। हॉस्टल वार्डन के जो है 400 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के 400 पदों पर भर्ती होना है, और इसके लिए विज्ञापन भी आपका जारी हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि यही सही समय है आप सभी स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब लेने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का, सरकारी नौकरी पाने का। अगर आपने इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज़, ये मौका आपको ज़िंदगी में कहीं दोबारा मिल पाएगा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से जो है लाभ उठाइए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन सके। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तो बस हमको अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी और सफलता मिलेगी। देखिए, कामयाबी और सफलता तो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कामयाबी और सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं, तो आपको नाम, फेम, पैसा, कामयाबी सब कुछ मिलेगा। बस उसके लिए आपको जो है मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो हॉस्टल वार्डन के 400 पदों के लिए अगर हम बात करें योग्यता क्या होना चाहिए, तो इसकी योग्यता है आपका 12वीं पास, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ आपकी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो यदि आप 45 वर्ष के हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के हैं, फिर भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में, तो इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर सीधी भर्ती होता है, किसी भी प्रकार को आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को बस क्वालिफाई करना होता है, देन आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो टोटल जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होंगे, और 1/4 इसमें जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाएगा, इसी को बोलते हैं आपके जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचकर रहना। यदि आप माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचने के तरीके सीख जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, एग्ज़ाम में जो है आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो जितना हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन से जो है बच के रहना, और आपको जो है एग्जैक्ट सही आंसर जो है सॉल्व करना है। अगर आप इधर उधर बस किसी भी क्वेश्चन को तुक्का मारकर अगर टिक करेंगे, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारीकी से आपको जो है जानकारी इकट्ठा करना होता है, बारीकी से आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना होता है, तैयारी करना होता है। यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे,
तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। आपके नाम फेम कामयाबी सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप लोग हार्डवर्क करेंगे। बिना हार्डवर्क किए बिना कड़ी मेहनत कीजिए आपको कोई भी सक्सेस हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये समय आपको जो है दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको जो है समय के महत्व को समझना है, क्योंकि एक बार समय जो आपके हाथ से निकल जाता है उसके बाद आपको दोबारा वो समय ही नहीं मिलता है। तो इसलिए समय की इज्जत कीजिए, समय की कद्र कीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है आपके कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर्स अकेले जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स आपके एग्ज़ाम में जो 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको जो है कंप्यूटर्स में तकरीबन आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि आप कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आपका नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है मेहनत करना है, तैयारी करना है, क्योंकि व्यापम में ये एक रूल होता है, नियम होता है कि आपको कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर कैसे भी करके लाना है। यदि आपने लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है। देखिए मेहनत करने से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको यदि सक्सेस होना है और ज़िंदगी में एक अच्छी सैलरी पाना है, एक ज़िंदगी में आपको जो एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो एक अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए आपको जो है दिन रात मेहनत करना होगा, स्टडी करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, जानकारी इकट्ठा करना होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो इसका एक बेहतर रिज़ल्ट, बेहतर इम्पेक्ट पड़ेगा और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो है बताना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग में अभी भी 50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं और 2398 पदों पर ग्रंथालय की भर्ती होगी, इसके साथ हॉस्टल वार्डन के 400 पदों पर। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो भर्ती वैकेंसीज नई नई अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो बस आपको अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो इसका एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। बिना मेहनत किए कामयाबी आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो सक्सेस और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो मेहनत करेंगे। अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको कामयाबी और सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।